आज का जो वीडियो है, जो नए नए टेक्नीशियन भाई अपना ये फील्ड में आया है उनके लिए खास करके वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि पुराना ज़माने में जब हम लोग जब काम स्टार्ट किया था तो हम लोग क्या एक क्लैंप मीटर या टेस्टर के ज़रिए फ्रिज या वॉशिंग मशीन का या एसी का जो फॉल्ट ढूंढा जाता था। लेकिन आजकल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर या इन्वर्टर एसी हो, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हो, आजकल वही मार्केट में ज़्यादा चलता है। तो उनका जो फॉल्ट फाइंडिंग आसान और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग को कुछ डिवाइस लगता है, जैसे ही कंप्रेसर हो या पीसीबी हो या रेफ्रिजरेटर का फैन मोटर हो 12 वोल्ट डीसी का, या अपना डीसी इनलेट वाल हो, ये सब जो है चेक करने के लिए कुछ डिवाइस लगते हैं। तो उस डिवाइस के बारे में ही आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सीधे आपको डिवाइस में आपको मैं दिखाता हूँ और वो कैसे काम करता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों ये है अपना इन्वर्टर कंप्रेसर या इन्वर्टर मोटर चेक करने के लिए मैंने बनाया हुआ डिवाइस है। ये सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ, एक एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता हूँ मैं इसमें। और इसके अंदर एक वोल्टेज मीटर में लगाया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज मीटर नहीं है, इसमें वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका वैटेज भी चेक कर सकते हैं, मोटर का करंट, इसका पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, सब हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो उसके साथ में मैंने इसका इन्वर्टर डिवाइस कंप्रेसर को स्टार्ट करने का डिवाइस भी जोड़ दिया मैंने इसमें। इसके लिए तीन वायर आया हुआ है, आपको दिखता रहेगा इसमें। तो इसमें लिखा मैंने UVW, तो UVW को तीन वायर है कंप्रेसर का, जो टर्मिनल रहते हैं उसमें एक एक करके आपने को देना है। उसके बाद में जो बोर्ड को चालू करने के बाद, तो चालू करने का एक बटन दिया हुआ है, बटन देने के बाद चालू करने के बाद सप्लाई जाएगा कंप्रेसर के लिए इस डिवाइस के थ्रू। तो अगर कंप्रेसर अपना ओके रहेगा या मोटर ओके रहा तो मोटर चालू होगा या कंप्रेसर चालू होगा। तो अपने को इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि कंप्रेसर में है क्या पीसीबी में प्रॉब्लम है। वैसे ही वो पीसीबी को चेक करने के लिए और एक दूसरा डिवाइस बनाया, इसको हमने UVW टेस्टर भी कहा जाता है। तो UVW टेस्टर है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसलिए हम लोग को आसानी से पता कर सकते हैं कि पीसीबी कंप्रेसर के लिए या मोटर के लिए आउटपुट छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। तो इसके लिए भी तीन वायर दिया हुआ है, तो पीसीबी से कंप्रेसर का टर्मिनल के लिए UVW का जो तीन पिन रहते हैं वो तीन पिन में हम लोग को तो वायर जोड़ना है। वायर कैसे भी जोड़ेगा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। से फिर भी मैं इसमें लिख के रखा हूँ UVW, तो इस हिसाब से पीसीबी में देख के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग पीसीबी में सप्लाई दिया जाएगा तो इसमें एक बटन दिया हुआ है, बटन देने के बाद पहले यूनिट चालू हो जाएगा, पावर ऑन हुआ अपना भी देखो 6K LED टेस्टिंग अपने आप करेगा। 6K LED जल रहा है मतलब इसका 6 LED ओके है। अभी इसमें अपने को जैसे ही PCB आउटपुट छोड़ता है तो 6 का 6 LED जलेगा और जलना चाहिए। अगर कोई LED जलता नहीं है उसका मतलब वो PCB में फॉल्ट है, तो अपने को आराम से PCB चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एक वॉशिंग मशीन में आने वाले DC इनलेट वाल या अपना रेफ्रिजरेटर में आने वाले DC फैन मोटर को चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका मोटर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे घुमाना 12 वोल्ट लग सकते हैं, और उससे भी कम रहा तो उससे भी कम या ज़्यादा करके आप लोग अपने हिसाब से वोल्टेज एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो वायर दिया हुआ है ये वायर के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये डिवाइस है अपना जो AC में आने वाले इंडोर ब्लोअर या आउटडोर मोटर जो DC में चलता है जिसमें 5 वायर है, तो उसको डायरेक्ट चालू करने के लिए हम लोग ये डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें भी हम लोग पता चल सकते हैं कि PCB का प्रॉब्लम है या मोटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटर डायरेक्ट चालू करेगा, मोटर चालू रहेगा तो अपन समझते हैं कि वो PCB का प्रॉब्लम है, अगर मोटर चालू नहीं रहता तो मोटर चेंज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से अपना
काम आसानी से और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये सभी डिवाइस कैसे यूज करते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।